Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath hauled up the district and police administration over the protests organised outside Lulu Mall, directing the Lucknow administration to check anti-social elements from disturbing communal harmony and lawlessness. Addressing administrative and police officers through video conferencing on Monday evening, प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना। और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया, सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर यह पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। दूसरा, कावड़ इस सावन के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में देखिए, जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कावड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। इसलिए जहां भी उनका रात्रि विश्राम हो उसके आसपास का सुरक्षा का वातावरण बेहतरीन होना चाहिए। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कावड़ यात्री चले वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो। इसको भी हम ध्यान में रख करके देखें। शिवालय होंगे, मंदिर होंगे, उन सभी के आसपास हम देखें कि कोई जर्जर भवन है, बरसात के समय में वह गिर न जाए और उसके कारण जन हानि न होने पाए। इसके बारे में भी हम लोगों को वहां पर ध्यान में रखना होगा। बड़े देवालयों में, शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्ययोजना बना लें। Police Commissioner reportedly said that the alleged video of four persons being portrayed as those who allegedly offered nimars in Lulu Mall on July 12th was fake.